नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को हमारे देश में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर्स वो इंसान होते हैं जो लोगों के दुख और तकलीफ़ में उसके साथ खड़े होते हैं। अपनी ज्ञान, अपनी क्षमता के दम पर वे लोगों की तकलीफ़ को दूर करते हैं। तो आज CFM न्यूज़ चैनल भी सभी डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे की बधाई देता है और कामना करता है कि डॉक्टर्स और मरीज के बीच का रिश्ता हमेशा बना रहे और इन्हें जो हम लोग धरती के भगवान का जो उपाधि देते हैं वो हमेशा कायम रहे। सर, आज डॉक्टर डे है, इस मौके पर आपका क्या मैसेज है? आजकल को जो वातावरण चल रहा है, सबसे बड़ा मैसेज ये है हमारा कि डॉक्टर और पेशेंट, पेशेंट पार्टी को जो बीच में अंदर में जो रिलेशनशिप है ये और भी बेहतर हो जाए। इसको लिए दोनों तरफ से प्रयास चलना चाहिए, डॉक्टर की ओर से भी और पेशेंट पार्टी की ओर से भी। ये जो रिलेशन है, ये जो संपर्क है, ये और भी मजबूती होना चाहिए। सर, हम लोगों ने देखा जब ज्वाइनिंग किया था, बहुत उस वक्त बहुत चैलेंजिंग था आपके सामने, बहुत कुछ यहाँ करने का था। आपने आने के बाद बहुत सारा काम यहाँ किया, और क्या लगता है कि आप क्या काम करना चाहिए जो आप लोगों को फ़ायदा हो? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके मेडिकल साइंस में इसका कोई लिमिट नहीं होता, ओनली स्काई इज द लिमिट। डेली डेली आपको, डे बाय डे आपको टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, ट्रीटमेंट मॉडलिटी चेंज हो रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये चलते रहेगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कुछ काम किया हुआ है और फिर भविष्य में जो लगेगा उसको लिए भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएगा, ऊपर में बोलेंगे, फिर उसको भी तैयारी करेंगे। हम लोग देखते हैं सर कि अभी कुछ लोग ट्रीटमेंट के नाम पे साउथ का तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हैदराबाद साउथ में ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या बंगाल में वैसा डॉक्टर नहीं है कि लोग अब बाहर जा रहे हैं? देखिए, ये भी एक मीथ है। सरकारी जगह में भी आजकल बहुत सारे, बहुत बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, आपको तो अखबार में तो आप देखते ही होंगे, मेडिकल कॉलेज है, PG में कितने कितने बड़ा बड़ा हार्ट का भी ऑपरेशन हो रहा है, किडनी का भी ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। लेकिन ये बात ठीक है, भीड़ ज़्यादा है यहाँ आकर, सब कुछ आप जो ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में मुफ्त में मिलता है, एकदम निःशुल्क मिलता है, इसलिए लोड भी है, उसको वजह से भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर काम तो हो रहा है, बंगाल में काम हो रहा है। सर, अभी हम देखें प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता जा रहा है, गरीब लोगों के बस का अपने रहा ट्रीटमेंट, उसके लिए क्या कहेंगे, इतना ट्रीटमेंट महंगा क्यों हो रहा है? टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ रहा है और उन लोगों को तो एक तो है उनका तो उसको प्रॉफिट भी करना है, अपना स्टाफ को भी तनख्वाह देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये सबके वजह से शायद बढ़ रहा है, पूरा जानकारी तो हमारे पास आई नहीं। सर, यहाँ के डॉक्टर का तो मैंने ड्रीम था कि यहाँ तो पुलिस चौकी बैठे, आपने मेहनत किया, वो चौकी बैठा, पुलिस यहाँ पे है, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो बोला कि बहुत ओवरलोडेड हॉस्पिटल आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ सिर्फ आसनसोल कॉरपोरेशन से ही नहीं, ये झारखंड से भी मरीज हमारे पर आता है, दूसरा बगल वाले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया है, बांकुड़ा है, वीरभूम से भी हम लोग के यहाँ पर पेशेंट आता है। डेली OPD में हमारा कम से कम 1500 OPD अटेंडेंस है, इंडोर में आपको करीब करीब 550-600-700 पेशेंट हमको रहता ही एवरी डे। टोटल डॉक्टर कितने डॉक्टर हमारा अभी खास करके कुल मिला करके 65-70 ऐसा। सर, हम लोग देखेंगे अभी तो बहुत सिस्टमेटिक आप हॉस्पिटल चला रहे हो, जब प्रेशर जब आपके पास आता है तो कैसे चलते हैं? प्रेशर दिन हम बात करते हैं आदमी से, ज़्यादा बात करना चाहिए, जो कोई भी अगर कोई मुसीबत में पड़ कर आ रहा है हमारा पर, कोई भी उसको तकलीफ है तो सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, उसको हल करने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसको सही सलाह देना चाहिए, सही सुझाव उसको देना चाहिए, तो वो ठीक हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ड्यूरेशन योर पीरियड, ऐसा लगा कि कोई ऑपरेशन बहुत टफ है, आपको लगा कि आपको यहाँ नाकाम हो जाएगा, लेकिन फिर उसको आप लोग सक्सेस कर दिए, ऐसा कुछ यादगार है? अभी हम लोग देखा कुछ दिन पहले कि गोल बटर ब्लैडर का बहुत यूज, एक ऑपरेशन आप लोग सक्सेस किया, ऐसा है इधर खूब आपको ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारे ऐसा केस हुआ है हमारा, तो लोग डरता है पहले कि ये क्या होगा, नहीं है छोटा मोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भी इसको स्किल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चाहिए, तो हम लोग एक साथ में बात करते हैं, सब मिल के एक साथ में, और भी जो सर्जन रहता है सब मिल के वो ऑपरेशन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा सर, हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो पेशेंट डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है,
तो आप लग रहा है कि ये जगह छोटा होते जा रहा है एकदम एकदम कुछ और कुछ सेपरेट जगह होना चाहिए। हाँ, हमारा भी लग रहा है कि पैरेलल हॉस्पिटल आसनसोल में होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होने से और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, और हम लोगों को देखा सर, ये तो हॉस्पिटल बन गया है लेकिन रोड में जो जाम है उससे एम्बुलेंस पहुंच जा रहा है, बहुत दिक्कत होता है, एम्बुलेंस पेशेंट आने पाता है, दो घंटा एक घंटा जाम में फंस गया, उसके लिए कुछ आपने कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो गुनाई रोड है इसको तो हम बहुत सारे आदमी से बात किया है कि इसको कोई ऑल्टरनेट रहे, कोई पाथ निकलेगा कि नहीं, कोई रोड निकलेगा ऑल्टरनेटिव तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन तो ऐसा कोई हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो ऑल्टरनेट रोड कुछ होने वाला है। तो फिर भी हम लोग ट्रैफिक पुलिस जो है आसनसोल का, उन लोग को हम लोग सहायता लेते हैं, उन लोग भी हम लोग को मदद करता है ट्रैफिक जाम छुड़ाने के लिए। जो हो रहा है ये ज़्यादा तरीके से कि वहाँ पर जो ऑटो है आपको मिनी बस स्टैंड एकदम गेट के सामने ही दे रहा है, उसके लिए थोड़ा जाम ज़्यादा लगता है, वो अगर स्टैंड थोड़ा आगे बढ़ा कर लगेगा तो जाम थोड़ा कम रहेगा। सर, फ्यूचर में क्या बेड बढ़ेगा, कुछ हम लोग को नया देखने को मिलेगा इस हॉस्पिटल में? देखिए, आगे क्या हो रहा है, MCH हब को, जो MCH हब बनाने वाला है उसको तो प्रोजेक्ट हम लोग को जमा किया हुआ है, वो भी होगा तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए भी और भी बेहतर फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगा, बेड भी बढ़ेगा। और सर, बस चलते चलते जो पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट से मायूस हो गए हैं, अब उनको लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे लेकिन संभावना डॉक्टर आएंगे तो बचा लेंगे, उनके लिए क्या मैसेज, जो पेशेंट बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं? नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आजकल का जमाना में तो कैंसर भी ठीक हो रहा है, बहुत सारे कैंसर है जिसमें से आदमी को एकदम मृत्यु के मुंह से निकाल करके लाया जा रहा है, तो उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसला उसका बरकरार रखना चाहिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए। हमारा डॉक्टर भी यहाँ पर है, सलाह ले सकता है। हमारा जो साथी डॉक्टर से उन लोग को बोलिए जो आप लोग हौसला बढ़ा करके काम करते जाइए, मरीज को साथ, मरीज के घर का आदमी के साथ अच्छा संपर्क रखिए, देखिए बहुत स्मूथली हॉस्पिटल चलेगा, मरीज को भी इलाज सही तरीके से होगा और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, रिलेशन बढ़ाना चाहिए।